लखीमपुर की बात कर रहे हैं तो एक उन्नाव का मामला भी सामने आया है। एक उन्नाव का मामला भी प्रकाश में आया जिसमें उस लड़की की माँ अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने आ गई इंसाफ मांग रही थी कह रही थी दुआई दे रही थी और अब उसमें कार्रवाई हो रही है यानी यह सरकार कर रही है मैं कार्रवाई क्यों कर रही है दो महीने से वो वो महिला भटक रही है आप कह रही है कार्रवाई कर रही है दो महीना दो महीने से वो महिला भटक रही है अलग अलग अधिकारियों के पास जाके गिड़गिड़ा रही है उसकी बेटी की हत्या हो गई और एक नेता के घर में उसकी लाश मिली देखिए कानून व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वो समाजवादी पार्टी का है कि कांग्रेस का है कि बीएसपी का है कि भारतीय जनता पार्टी का है मुद्दा ये नहीं है मुद्दा है कि अगर कानून का राज है तो मुख्यमंत्री का भाई भी हो अगर अपराधी है तो उसका कालर पकड़ के पहले उसको जेल के अंदर डालो ये, ये, इसमें दो महीने का विलंब क्यों हुआ आज राज किसका है बीजेपी का राज है कानून व्यवस्था पे सवाल किसके उठता है बीजेपी के राज में मुख्यमंत्री के गृह जनपद में मनीष गुप्ता को होटल के अंदर पीट पीट के मार दिया गया संजीत यादव का अपहरण कानपुर में होता है बाद में उसकी की बहन से तीस लाख रुपए दिलवाती है पुलिस और फिर उसकी हत्या हो जाती है लेकिन योगी योगी जी जी तो तो कह कह रहे हैं हैं। तो कह रहे हैं हैं कि कि देखिए हमारे राज्य में तो कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है वो तो गर्मी कैसे निकाल देते हैं लोगों की बता रहे हैं यहाँ पे भी कह के गए हैं कल की देखो यहाँ पर सबकी गर्मी मैंने ठंडी कर दी देखिये मुझे लगता है ये एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए और मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन आदित्यनाथ जी की जो भाषा है वो एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है वो एक चौराहे छाप नेता की भाषा है ऐसी भाषा उनको नहीं बोलनी चाहिए गर्मी उतार देंगे पटक देंगे उलट देंगे उल्टा लटका देंगे ये 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 एक मुख्यमंत्री की भाषा है लिख रहे हैं, सुनो केजरीवाल केजरीवाल जी उनके घर में नौकरी करते हैं देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल संजय जी लेकिन लेकिन जो दिन जनता के लिए काम कर रहे सुन तो लीजिए आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होके और सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री होके आप देश के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को सुनो केजरीवाल कहेंगे तो हम लोग माला जपेंगे बैठ के हम आपका जवाब नहीं देंगे नहीं तो फिर हम इसी तो भाषा में जवाब देंगे तो बराबरी में आके खड़े वो हो जाएंगे जरूरी है क्योंकि उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो है उनको यह बिल्कुल नहीं महसूस होना चाहिए कि वो वो हिटलर है हिंदुस्तान के एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और उनको अपनी भाषा मर्यादित और संयमित रखनी चाहिए ये उनको समझना होगा नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि अगर योगी आदित्यनाथ ने इस भाषा का इस्तेमाल किया तो अरविंद केजरीवाल अगर उस भाषा में जवाब सारे लोगों को बेहतर होता नहीं समझ में आएगा उनको ऐसे लोग है वो दोबारा फिर और गाली भी लिख देते हो सकता है ट्विटर पर

तो दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल उसके घर पे बैठ के उस ई रिक्शा वाले के साथ घर में खाना खा के आए यह है गांधी को मानने का आदर्श लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी सोचेंगे या आदित्यनाथ जी सोचेंगे कि हम इनको नौकरों की तरीके से ट्रीट करेंगे वो नहीं बर्दाश्त करेंगे क्योंकि अपने पद पर आप हैं आपको अपनी भाषा का ख्याल रखना पड़ेगा पर, पर संजय जैसी बात करोगे उसी तरह का जवाब पाओगे पर संजय जी चलवाई कुछ भाषा का, का इस्तेमाल आपने भी संसद में किया उसके बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है मैंने कभी गलत नहीं किया मैं जो बोलता हूँ ये, ये संसद वो में तो एक कविता थी मैंने पढ़ दिया वो तो कविता बहुत चर्चा फिर से पढ़ दू कविता 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 हो बहू मैंने पढ़ी और मैं सिर्फ ये देखिए आप डेमोक्रेसी में हैं लोकतंत्र में है आप कोई ताना नहीं है आपको जनता ने चुन के मुख्यमंत्री बनाया है प्रधानमंत्री बनाया है आप अपनी भाषा को संयमित रखिए आप बताइए हमारे गृह मंत्री जी कैराना के कहें अब पलायन नहीं होने देंगे क्यों भाई अब तक क्या ओबामा का राज है यहाँ पे ट्रंप की सरकार है कौन है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का आदित्यनाथ जी हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह हिंदू देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हिंदू उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हिंदू आप सब लोग ऊपर से लेकर नीचे बैठ तक बैठे हैं और हिंदुओं का पलायन हो गया आपके राज्य में पर... आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए नैतिक जिम्मेदारी लेके तो जैसी तो भाषा बोलोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा ये है। जो जिम्मेदार पद आप आप करने का विकल्प नहीं है एक मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री के पास गलती करने का विकल्प नहीं है कोई एक चौराहे का नेता है चौराहे का गुंडा है उससे वो कुछ बोल दे वो कुछ गाली गलौज कर दे उसको लोग सुन लेंगे लेकिन अगर आप उसी प्रकार की भाषा बोल के दबाने की कोशिश की जाएंगे करेंगे ये ठीक नहीं है और गांधी के आदर्श की जहां तक आपने बात की मैंने आपको उदाहरण दिया।, दिया फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे सिर्फ टीवी नाइन भारत वर्ष पर